Discussing our chapter 9 from class 11th, and today's topic is discount. Discount is two type, one is trade discount and another is cash discount. Yes, dear student, तो आज हम लोग बेटा अपना 11th class में discount का जो topic है जर्नल में उसको आज हम लोग आपके साथ बेटा शेयर करेंगे. आप सभी बच्चों ने बेटा अच्छे से समझने की कोशिश करें. चलिए बेटा करते हैं आज का भी स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन थर्ड हाउस हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले, उसके बाद हमारा डिस्काउंट का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो एंड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर. यहाँ पे ईयर 2018 है और बेटा मंथ अक्टूबर रहेगा. चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल के फॉर्मेट के बेटा. सबसे पहले यहाँ पे जर्नल जर्नल ऑफ यहाँ पे रहेगा बेटा साहिल साहिल ब्रदर. चलिए बच्चे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेट का कॉलम पे आते हैं बेटा, उसके बाद यहाँ पे पार्टिकुलर्स. नेक्स्ट हमारे पास बेटा होने वाला है LF लेजर फोलियो पेज नंबर, और यहाँ पे बेटा हमारा रहेगा डेबिट एंड क्रेडिट. चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार. सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे LF डेबिट एंड क्रेडिट. क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड रहेगा बेटा. स्टार्ट करते हैं बेटा. देखिए यहाँ पे ईयर आपका 2018 रहेगा और फर्स्ट अक्टूबर बेटा. परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश. अनिल से हमने बेटा गुड्स परचेज किया. तो यहाँ पे टू अकाउंट है, पहले परचेज एक्सपेंस से क्या करना है, डेबिट करना है. तो एंट्री बनाएंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है बेटा टू. यहाँ पे बेटा हमने कहाँ से, अनिल से और कैश में लिया है. तो यहाँ पे टू आपका कैश हमारे पास से जाने वाला है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग. परचेज डेबिट टू कैश, यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 40,000 being goods purchase for cash. नेक्स्ट डेट हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे डेट है थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल. अतुल से परचेज किया बेटा, यहाँ पे नाम आ गया. जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, यहाँ पे नाम आ गया, तो इसका मतलब बेटा आपने क्या क्या क्रेडिट में यानी उधार में खरीदा है. तो आप परचेज जब भी आप करते हैं बेटा, परचेज आपका हमेशा डेबिट ही होगा, चाहे आपने बेटा कैश में परचेज किया है अदरवाइज आपने बेटा क्रेडिट में परचेज किया है. तो यहाँ पे परचेज डेबिट एक्सपेंस है हमारा परचेज, नॉमिनल अकाउंट कहता है ओ डेबिट ऑल एक्सपेंस. तो परचेज डेबिट हमारे यहाँ पे हो जाएगा. और हमने बेटा अतुल से खरीदा यहाँ पे, तो यहाँ पे अतुल जो है पर्सनल है और गिवर हो जाएगा टू अतुल बेटा. अमाउंट आपका रहेगा यहाँ पे 75,000. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. इसी में बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल, अतुल. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. इसी में थर्ड के बाद है बेटा, यहाँ पे डेट हमारा रहेगा 6, परचेज रिटर्न बेटा. यहाँ पे देखिए रिटर्न गुड्स टू अतुल, अतुल से आपने परचेज किया था और आप अतुल को क्या कर रहे हैं बेटा, रिटर्न कर रहे हैं गुड्स. गुड्स रिटर्न करने के मैंने बेटा आपको बताए थे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है हमारा, डिफेक्टिव गुड्स है तो हम लोग रिटर्न करेंगे. अब हमने अतुल से परचेज किया, अब अतुल को रिटर्न कर रहे हैं, तो अतुल को रिटर्न करेंगे तो अतुल रिसीवर हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर. तो यहाँ पे अतुल डेबिट हो जाएगा और परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न हमारी इनकम बन जाएगी बेटा, उसको इनकम मानते हुए हम क्रेडिट करेंगे टू परचेज रिटर्न. याद रखें सभी बच्चे, परचेज डेबिट होता है और रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा. अमाउंट है डी स्टूडेंट यहाँ पे 3,000 बीइंग गुड्स रिटर्न टू अतुल, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अतुल. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. अभी इसमें नेक्स्ट जो डेट है हमारा 8, कैश पेड टू अतुल. अब अतुल को कैश का पेमेंट करेंगे तो अतुल अगेन रिसीवर हो जाएगा.
अतुल डेबिट और कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जाएगा तो 2/कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू अतुल, कैश पेड टू अतुल, अमाउंट हमारा बेटा यहाँ पे रहेगा 50,000 USD. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे 10 डेट बेटा यहाँ पे है सोल्ड गुड्स टू चारू, अभी चारू को आपने सोल्ड किया, चारू बेटा रिसीवर हो जाएगी, चारू को आपने सोल्ड किया चारू रिसीवर हो जाएगी, चारू डेबिट, सेल बेटा हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम को क्रेडिट करना है, टू सेल्स है, और अमाउंट रहेगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1,00,000 बीइंग गुड सोल्ड टू चारू, बीइंग गुड सोल्ड टू चारू। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग 10 के बाद 12, चारू रिटर्न 20% अबव गुड्स, जो आपने चारू को 1,00,000 का सोल्ड किया वो रिटर्न करिए बेटा, चारू को हमने सोल्ड किया, हो सकता है रास्ते में डिफेक्टिव हो गया हो, या उसके पास जो बेटा डिफेक्टिव गुड्स गया हो, या फिर जो है सैंपल के अकॉर्डिंग गया, तो रिटर्न करिए हमें, तो रिटर्न करेगी, अब चारू गीवर बन जाएगी, सेल्स हमारा बेटा इनकम था, वापस करेगी चारू तो हमारे को वापस पैसा देना बेटा एक्सपेंस बन जाएगा, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा टू, कहाँ से रिटर्न हो रहा है चारू से हो रहा है, गीवर बन जाएगी चारू टू चारू बेटा 20% 1,00,000 पे यहाँ पे 20,000 बनेगा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय चारू, चारू हमें गुड्स रिटर्न करे बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट एंट्री हम चेक कर लेते हैं 12 के बाद है 15, पेड रेंट, रेंट हमारा एक्सपेंस है बेटा, डेबिट होने वाला है यहाँ पे, रेंट अकाउंट डेबिट नॉमिनल के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बेटा कैश अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट है रेंट का बेटा 2,000, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग सो बीइंग रेंट पेड बेटा, रेंट पेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा लास्ट एंट्री 20 की एंट्री, साहिल विड्रू फॉर पर्सनल, बेटा जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए एनीथिंग इज विड्रॉल बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग, हम उसको ड्रॉइंग बोलेंगे बेटा, और ड्रॉइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है बेटा, तो यहाँ पे देखिए डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे जो ओनर है वो रिसीवर हो जाएगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश है बेटा टू कैश अकाउंट, अमाउंट है मेरे बच्चों 10,000, being amount withdrawal by, being amount withdrawn by Sahil for personal use, चलिए बेटा यस स्टूडेंट जो हमारा आज का टॉपिक है बेटा नेक्स्ट वो रहेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट बेटा हमारा टू टाइप का रहता है यहाँ पे, फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड है हमारे पास यहाँ पे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। यस डियर स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज द अमाउंट और डिस्काउंट गिवन बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन अ लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट क्या बेटा, जब भी हम बल्क क्वांटिटी के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर होते हैं वो एक फिक्स्ड परसेंटेज पे हमें बेटा अमाउंट जो है डिस्काउंट जो वो अलाउ करते हैं, ठीक है बेटा, सच डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिए स्टूडेंट बेटा इस डिस्काउंट को हमने बेटा जो है डिस्काउंट, ये वाली जो डिस्काउंट है बेटा इसको आपने बेटा सिर्फ जो है लेस करना है, आपको इसको किसी भी एंट्री में शो नहीं करना है, ये किसी भी एंट्री में शो नहीं होती है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये एक बेटा जो लिस्ट प्राइस हमारा होता है
उस पर हमें ये जो है रिसीव होती है, ठीक है। तो इस पे आपने बेटा कैश, ये कैश पे नहीं होती है, किसी पेमेंट पे नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, ओनली इसको बेटा लेस करना है, क्वांटिटी को लेस करके आपने शो करना है। सेकेंड अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट, CD। शॉर्ट में अगर हम बात करें CD, ये है TD बेटा। तो CD क्या होता है बेटा, फॉर द प्रमोट पेमेंट और फॉर द अर्लियर पेमेंट दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द फर्म टू मोटिवेट देयर कस्टमर। देखिए बेटा, ये जो डिस्काउंट है अपने कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए हम लोग जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं प्रमोट पेमेंट के लिए। जैसे बेटा मान लीजिए हमने राम से जो है वो 10,100 जो है वो अमाउंट लेना है, लेकिन हमने कहा इफ़ यू पेड विद इन 1 वीक, अगर आप 1 वीक में पेमेंट करते हो आप 10,000 हमें जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ जो है ये जो डिस्काउंट रहेगा इसको हम बोलेंगे CD, ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा बेटा। तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो कैश डिस्काउंट है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हमें करना। चलिए बेटा इसका एक बार चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकल, कैसे हम लोगों ने इसको शो करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बेटा एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स, ये डेबिट रहेगा, ये क्रेडिट रहेगा, LF पार्टिकुलर्स और यहाँ पे बेटा डेट। तो फर्स्ट डेट हमारा रहेगा 2017 और डेट है मेरे बच्चों March 3। सोल्ड गुड्स टू देव, देव को सोल्ड किया तो बेटा यहाँ पे एंट्री हमने बनानी है, देव रिसीवर हो जाएगा, देव डेबिट टू सेल्स, हमारा इनकम है, क्रेडिट हम लोग करेंगे। अमाउंट है डियर स्टूडेंट 1 लाख, बीइंग गुड सोल्ड टू देव, बीइंग गुड्स सोल्ड टू देव। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट डेट है बेटा 5, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। देखिए बेटा यहाँ पे देव से फुल सेटलमेंट में 98 रिसीव हुआ है। तो सारे बच्चे देखिए बेटा, हमारे पास जो कैश आएगा, कैश आ रहा है डेबिट वर्ड्स कम्स इन रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग 98,000 फुल सेटलमेंट, 1 लाख में से 98 आ रहा है, इट मीन्स 2,000 लेस हमें रिसीव हो रहा है। तो ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, CD हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे लॉस हम लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 और 2 यहाँ पे देव जो है वो सेटल हो जाएगा बेटा 1 लाख, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा बेटा कैश डिस्काउंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा 6 एंट्री में, तो यहाँ पे रहेगा आपका सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन को सोल्ड किया था बेटा, मनमोहन डेबिट रिसीवर है यहाँ पे, 2 सेल्स, यहाँ पे अमाउंट रहेगा बेटा आपका 80,000। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसमें बीइंग गुड सोल्ड टू मनमोहन, नेक्स्ट जो डेट बेटा वो हमारे पास 8, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000, मनमोहन ने 1,000 का गुड्स हमें रिटर्न किया, सेल्स किया था, इनकम है, रिटर्न हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनमोहन, मनमोहन यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा 1,000, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन। अब आप चेक कीजिए बेटा, आपने मनमोहन को 80 का सोल्ड किया है और 1,000 रिटर्न उसने हमें कर दिया, तो हमें उससे 79 जो है वो रिसीव करना है। बट क्वेश्चन क्या बोलता है, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट 78,200। अब हमें 78,200 रिसीव हो रहा बेटा, डेट है हमारा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट 78,200, यहाँ पे 79 में से बेटा 78,200, तो 800 हमें कम रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कहाँ से बेटा, मनमोहन से,
तो आई थिंक बेटा ये वाला डिस्काउंट आपको समझ आ गया होगा, 79,000। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो डेट रहेगा बेटा अपना 16, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। अब हमें कैश बेटा रिसीव हो रहा है राम से, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, राम से जो कैश रिसीव हुआ अपने बच्चों वो हुआ 19,500। एंड डिस्काउंट अलाउड, हमें उसको कुछ डिस्काउंट भी अलाउ करना है, लॉस है हमारे लिए। डिस्काउंट अलाउड डेबिट यहाँ पे बेटा 500, और यहाँ पे जो राम है वो सेटल हो जाएगा बेटा 20,000 टू राम, यहाँ पे 20,000 राम जो है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे 20,000। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा 20 का, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव। बेटा पवन को पेड किया तो पवन रिसीवर हो जाएगा, पवन डेबिट, यहाँ पे अमाउंट आपका आएगा पवन डेबिट टू कैश। आपने पेड कितना किया बेटा, पेड आपने किया 4700, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गया बेटा, पवन को पेड कर रहे थे उसने हमें कुछ डिस्काउंट दिया, रिसीव हुआ हमें डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे बच्चों 300, और यहाँ पे जो पवन है वो सेटल हो जाएगा 5,000 बीइंग कैश पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव करेंगे तो हमारा इनकम हो जाएगा बेटा, क्रेडिट करना है। लास्ट एंट्री बेटा 25, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लेस प्राइस 25,000, 20% रेट डिस्काउंट। आपने यहाँ पे देखिए बेटा वरुण को सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स टू वरुण, देखिए बेटा सोल्ड गुड्स टू वरुण लेस प्राइस 25,000 एट 20% रेट डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों 25,000 का गुड्स है और 20% रेट डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 5,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसको लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ लेस करना है बेटा, रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अमाउंट बचेगा 20। सिंपली इसी का एंट्री आपने बनाना है। एंट्री बेटा क्या बनेगा, वरुण डेबिट, वरुण डेबिट टू सेल्स, जस्ट बेटा आपने ये 20,000 रिकॉर्ड कर, बस बेटा ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। आई थिंक आपको ये दोनों टॉपिक बेटा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों समझ आ गए होंगे। तो आज आपने क्वेश्चन बेटा 6 तक ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा बाय।